एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 40% लोग अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया में 350 करोड़ लोग नौकरी पेशा हैं और अब इनमें से 40% यानी 140 करोड़ लोग अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग अब काम से ब्रेक लेना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना कैरियर बदलना चाहते हैं, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मौजूदा नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करना चाहते हैं। भारत में जितने लोग नौकरियां करते हैं उनमें से भी 51% अपने फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो अकेले अगस्त के महीने में ही 43 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। ये अमेरिका का कुल वर्कफोर्स का 3% है। रिसर्च करने वाली एक संस्था के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 50% लोग अब कैरियर के दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों में नौकरी छोड़ना एक ट्रेंड हो चुका है। भारी संख्या में लोग अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं और इसे ही नाम दिया गया था द ग्रेट रेसिग्नेशन या फिर द ग्रेट क्विट। नौकरी पेशा लोगों के इस महापलायन को द ग्रेट रेसिग्नेशन नाम अमेरिका के टेक्सास में A&M यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी क्लोड्स ने दिया है। जॉब छोड़ने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सितंबर के महीने में अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जबकि इसके कंपैरिजन में लगभग 1,80,000 पुरुषों ने अपनी नौकरी छोड़ी। सबसे बड़ी संख्या में नौकरी वो लोग छोड़ रहे हैं जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा काम के दबाव की वजह से परेशान हैं और जिन्हें लगता है कि कोरोना की महामारी के बाद उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल पर फिर से विचार करना चाहिए। इस वजह से अमेरिका समेत पश्चिम के कई देशों में तो स्थिति ये हो गई है कि अब वहां नौकरियां ज्यादा हैं लेकिन नौकरी करने वालों लोगों की संख्या कम है। इस ग्रेट रेसिग्नेशन के पीछे 4 मेन रीजंस बताए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 साल पहले ही नौकरी छोड़ देना चाहते थे, पर कोविड आने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। कोविड के समय नौकरी छोड़ना लोगों की जेब पर बुरा असर डालता, इसलिए अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद लोग अब अपनी नौकरी से बड़ी संख्या में इस्तीफा दे रहे। दूसरा कारण है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है आपके शरीर और मन का काम करते करते थक जाना और एक ऐसी स्थिति आ जाना जब आपको लगने लगे कि अब आप एक दिन भी अपनी नौकरी को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि आपका शरीर और मन ही आपका साथ नहीं दे रहा। भारत में 41% लोगों को ऐसा लगता है कि वो अब बर्नआउट हो चुके हैं। तीसरा कारण ये है कि महामारी के दौरान लोगों को खुद के और अपने परिवार के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका मिला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या तो दफ्तर बंद थे या फिर लोग घरों से ही काम कर रहे थे। अब लोग वर्क फ्रॉम होम को न्यू नॉर्मल मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। चौथा कारण ये है कि अब लोगों को डर है कि उन्हें एक बार फिर से दफ्तरों में जाकर काम करना होगा। घर से काम करने की सुविधा अब कंपनियां वापस लेने लगी हैं। लोगों को लगता है कि इससे काम के मामले में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से 9 से 10 घंटे की रूटीन नौकरियों पर लौटना होगा। इसके अलावा कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी देशों में लॉकडाउन के दौरान लोगों के खर्च कम हो गए थे और लोगों की सेविंग्स बढ़ गई थी। कई देशों की सरकारों ने तो अपने नागरिकों को इस दौरान आर्थिक सहायता भी दी, इसलिए बचाए गए इन पैसों के भरोसे लोग अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक कारण ये भी है कि अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुल जाने की वजह से अब पहले के मुकाबले ज्यादा नौकरियां उपलब्ध हैं और लोगों को लगता है कि अगर वो नौकरी छोड़कर कुछ समय के लिए अपने काम से ब्रेक भी ले लेंगे तो उन्हें दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये नौकरियों के मौजूदा तरीकों के खिलाफ कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं। अमेरिका में एक स्टडी में करीब 56% कर्मचारियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब लॉकडाउन था और कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था तो उनकी कंपनियों ने उनसे उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। साथ ही कंपनी की तरफ से कई सुविधाओं में कमी की गई।
कर्मचारियों में दूसरी नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोरोना के बहाने उनकी कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी। इस दौरान बहुत सारे मिडिल और जूनियर लेवल के कर्मचारी हटाए गए, लेकिन जो लोग सीनियर पोजीशंस पर थे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी है कि उनसे जरूरत से ज्यादा काम तो कराया जाता है, लेकिन जब वो छुट्टी मांगते हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा कर्मचारी ऐसा मानते हैं कि उन्हें पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिल पाती। भारत में ऐसा मानने वालों की संख्या 75% है, जबकि दक्षिण कोरिया के 72% और हांगकांग के 69% कर्मचारियों का दुख भी यही है। द ग्रेट रेजिग्नेशन दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है, वहीं कंपनियों के लिए आपदा में अवसर तलाशने का मौका भी है। कर्मचारियों के असुविधाओं को दूर करके वर्क कल्चर में सुधार लाने का कंपनियों के पास एक ये अच्छा मौका है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ भावना, और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।